वर्णम पीतांबरावण माल्या विभूषितांगनी देवी स्मरामी समुदगर वैरी जिह्वां जिह्वां कर्मादाय करुण देवी भामेन शत्रून परिपीडयन्तीं गदा विधातेन च रक्षणेन पीतांबराढ्यां द्विभुजां नमामि पीतशङ्खं गदा हस्ते पीतचन्दन चर्चिते बगले मे वरं देहि शत्रु संग विधारणे जयकारा बगलामुखी महामाय दीदा बोल सजे द्वारे की जय। देखिए बगला मुखी जी का जो महिमा है वो सारे विश्व प्रसिद्ध है। बगला मुखी जी जो है वो शत्रुओं का नाश करती हैं, वो हम सबको पता है। तो आज मेरा जन्मदिन के उत्सव पे मैंने सोचा कि मैं माता जी के यहाँ पे पूजा करूँ और मेरे भी शत्रुओं का नाश हो और मेरा भी कल्याण हो। मंडी से आपका नाम आ रहा है, लोकसभा के चुनावों के लिए आपका नाम चल रहा है मैम, भाजपा से क्या कहेंगे? बस अब जो माता की कृपा होगी वही हमारी भी, हमारा वही भाग्य है जो माता की कृपा है। इस वक्त हम माँ बगलामुखी के प्रांगण में हैं और यहाँ पर अभी जो अभिनेत्री कंगना रनौत जो है वो यहाँ पर दर्शन करके गई है। उन्होंने माँ बगलामुखी का हवन अनुष्ठान किया है। हमारे साथ यहाँ पर जो पंडित आचार्य दिनेश रतन जी हमसे जानेंगे कि, और कंगना रनौत ने हमें साफ ये कहा है कि जो माँ बगलामुखी की कृपा होगी। हमने जब सवाल पूछा कि लोकसभा चुनावों में क्या उनकी भूमिका रहेगी, क्या उनको मंडी से सीट ऑफर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो माँ बगलामुखी करेगी वो सही करेगी। हमारे साथ पंडित दिनेश रतन जी आचार्य हैं, मुख्य पुजारी हैं। अब बताएं आज कंगना रनौत जो अभिनेत्री हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आई थी, अनुष्ठान किया। देखिए माँ बगलामुखी का सिद्ध पीठ स्थान है, यहाँ तो आप देख रहे होंगे लोग आते ही हैं। आज उनका जन्मदिन था, जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो माता रानी के सम्मुख नतमस्तक होने आई थी और अपने साल भर की सुख शांति के लिए उन्होंने माँ से प्रार्थना की है और मुख्य रूप से उसने अपनी पारिवारिक सुख शांति की कामना की है और अपने अच्छे के लिए उन्हें माँ से पूजा की और माता रानी की कृपा उन पे बनी इस कामना के लिए पूजा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनावों में क्या होता है, माँ की कृपा बनती नहीं बनती है। इस संदर्भ में उन्होंने लोकसभा चुनावों या किसी भी चुनाव के बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने बस मेरे से यही बोला। हमसे तो जिक्र किया कि क्या होता है, माँ बगलामुखी कृपा करेगी। चलो वो तो उन्होंने कृपा मांगी होगी तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी, पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि मूलतः वो जन्मदिन के समय यहाँ पे आई हुई थी और जन्मदिन में माँ के नवग्रह पूजन और माँ बगलामुखी का पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से गई है। कहा जाता है कि जो चुनावों के नजदीक जो है वो राजनीतिक लोगों का जमावड़ा माँ बगलामुखी के दरबार में लगा रहता है, तो चुनावों का ऐलान आपको पता हो गया लोकसभा चुनावों का और मंडी संसदीय सीट से कंगना रनौत का नाम भी आ रहा है, तो क्या महत्ता है कि कुछ क्यों चुनावों के दौरान जो लोग हैं वो मंदिर आते हैं? देखिए चुनावों के दौरान निश्चित रूप से माँ के सम्मुख आकर के लोग माँ की कृपा के पात्र बनते हैं, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैम ने ऐसी कोई किसी कामना के बारे में नहीं था, मैंने सिर्फ ये बोला कि जन्मदिन के चलो ये तो क्या लोग क्यों आते हैं, जो राजनेता क्यों आते हैं? निश्चित रूप से माँ बगलामुखी तंत्र की देवी है और राजनीतिक क्षेत्र में विजय श्री देने वाली देवी है, तो जो कोई माँ के आगे नतमस्तक होता है माँ की कृपा पाता है तो वो विजय श्री का पात्र बनता है। इसलिए अब इलेक्शन का दौर है तो निश्चित रूप से रोज दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ पे लोग नेता आकर के पूजा पाठ अपना यज्ञ करा रहे हैं ताकि उन्हें एक अच्छी विजय श्री मिल सके और टिकट का भी लाभ मिल सके। देखिए लोकसभा चुनावों के नजदीक जो है, लोकसभा चुनावों के नजदीक लगातार नेताओं का जो जमावड़ा यहाँ पर बाबा बगलामुखी दरबार में लग रहा है, इसी के बीच कंगना रनौत जो अभिनेत्री है जिनका नाम मंडी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सीट से नाम आ रहा है, उन्होंने भी आज यहाँ पर अनुष्ठान किया है और कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये अनुष्ठान जो है वो लोकसभा चुनावों में टिकट को लेकर ही था। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज 18 देहरा।